सो टुडे वी आर एट दिल्ली जू एंड जैसे मैंने आपको बताया आई एम यूजिंग द सिग्मा 150/600mm लेंस विच इज़ f/5.2x 6.3। तो ये 150 पे f/5 रहेगा एंड 600mm पे जैसे मैं लेके जाता हूँ तो वहाँ पे f/6.3 रहेगा। सो एज यू कैन सी एट 600mm फोकल लेंथ द लेंथ ऑफ द लेंस इज़ रियली लॉन्ग एंड एज कम्पेयर टू कैमरा आप देख सकते हो काफ़ी लॉन्ग लेंस लग रहा है स्पेशली बिकॉज ऑफ दिस हुड। सो आई जस्ट टॉक सम बेसिक थिंग्स अबाउट दिस लेंस एंड उसके बाद हम चलेंगे हम शूट करेंगे एंड आई शो यू सम पिक्चर्स जो भी हम यहाँ क्लिक करते हैं। वी आर एट दिल्ली जू होपफुली इस टाइम काफ़ी मुश्किल हैं कुछ एनिमल्स या बर्ड्स मिल रहे हैं। विल ट्राई टू क्लिक सम अमेजिंग पिक्चर्स एंड शेयर विद यू गाइस। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ इसके वेट से इट वेज अराउंड 2 kgs जो आपको शायद थोड़ा हैवी लगेगा बट उसका एक प्लस पॉइंट ये है कि ये टेलीफोटो जूम है सुपर टेलीफोटो जूम लेंस। तो यहाँ पे आपको 150-600mm की फोकल लेंथ मिलती है विच इज़ नॉट दैट कॉमन किसी लेंस में। प्लस द लेंस होल दैट यू गेट ये आपको मिल जाता है अगर आप इस टाइप के लाइट में शूट कर रहे हो। यू कैन यूज़ दिस होल टू प्रिवेंट सम फ्लेयर्स। देन अगर मैं कुछ फिजिकल बटन्स की बात करूँ सबसे ऊपर है इसके 3 फोकस मोड्स AF, MO एंड MF। AF इज़ ऑटो फोकस, MF इज़ मैनुअल फोकस और MO इज़ अ मोड जहाँ पे आप ऑटो और मैनुअल फोकस दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच जो है वो है आपका फोकस डिस्टेंस का जिसमें फर्स्ट है 2.8 टू 10 मीटर्स जिसमें अगर आप पास सब्जेक्ट पे फोकस करना चाहते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। सेकेंड इज़ 10 मीटर्स टू इन्फिनिटी एंड थर्ड इज़ फुल। और जो थर्ड स्विच है वो OS का है। OS इसमें इज़ बेसिकली इमेज स्टेबलाइजेशन। 3 ऑप्शंस अगेन इसमें है, एक ऑफ है जिसमें आपका OS ऑफ रहेगा। सेकेंड इज़ 1 जो आप यूज़ कर सकते हो जब आपका सब्जेक्ट स्टेशनरी है एंड सेकेंड इज़ जब आपका सब्जेक्ट मूव हो रहा है और आप पैन करते हुए फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। एंड लास्ट स्विच जो है वो है कस्टम का जिसमें 3 ऑप्शंस है ऑफ, C1 एंड C2। ये आप तभी यूज़ कर पाओगे जब आपके पास इसका USB डिवाइस होगा जो डॉक आता है इसका। एंड द लास्ट थिंग इसमें जो आपको लॉक स्विच मिलता है अगर आप फॉर एग्जाम्पल आई एम यूजिंग दिस लेंस एट 150mm आई कैन यूज दिस लॉक स्विच लॉक द फोकल लेंथ और यहाँ पे ये लेंथ नहीं चेंज होगी। स्पेशली इट्स हेल्पफुल जब लेंस आपका इस तरह से हैंग हो रहा होता है लाइक ये कैमरा स्ट्रैप पे जो आई एम वेयरिंग राइट नाउ इस पे अगर मैं रखता हूँ तो 150 पे अगर ये मैंने लॉक ऑन किया हुआ है इसमें यहाँ पे एक्सटेंड नहीं होगा। जिन्हें यहाँ पे जो भी आपकी फोकल लेंस मेंशनड है उस पे आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक ओवरव्यू इस लेंस का। अब हम चलते हैं एंड प्रैक्टिकली शूट करते हैं एंड आई टेल यू कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी फोकसिंग, इसकी शार्पनेस, इसकी फोकल लेंथ रेंज वो हम सब देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं शूट करना। अगर आप इसका OS सिस्टम यूज़ करते हो जैसे मैंने आपको बताया अगर आप फर्स्ट स्विच पे यूज़ करते हो तो वहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट मूविंग है और आप स्टेशनरी हो तो काफ़ी अच्छे से कंटिन्यूस फोकस कैमरा के साथ कॉम्प्लीमेंट करके लेंस कर लेता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज सेकेंड मोड पे जब आप पैनिंग में फोकस कर रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा फोकस है इसका, काफ़ी हंट नहीं करता, काफ़ी क्विकली ये फोकस लॉक करेगा एंड द इमेजेस दैट यू गेट इज शार्प क्लियर एंड आई वुड से ऑलमोस्ट 10 में से 9 इमेज जो आपको मिलेंगी पैनिंग करते हुए या मूवमेंट करते हुए वो आपको एकदम परफेक्ट मिलेंगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द फोकसिंग ऑफ दिस लेंस फीचर्स HSM जो है हाई स्पीड मोटर विच आइडियली मीन्स कि ये लेंस की फोकसिंग एज ब्रांड क्लेम्स शुड बी फास्ट एंड एक्यूरेट। तो अभी हमने काफ़ी शॉट्स लिए हैं इसको मैंने पहले भी यूज़ किया इस पर्टिकुलर लेंस को। तो माई एक्सपीरियंस विद दिस लेंस इज 150-500 के बीच में जो फोकसिंग है काफ़ी अच्छी है, फास्ट है। मेरे को आइडियली इतना नहीं एक्सपेक्टेशन था इस लेंस से आइडियली जब मैंने पहली बार यूज़ किया था बिकॉज बींग 150-600mm लेंस फोकसिंग आप यूजुअली सोचते हो कि आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा इतनी बड़ी फोकल लेंथ में, बट टिल 500mm फोकसिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी फास्ट है। 500-600 के बीच में थोड़ा सा इशू आपको लगेगा बिकॉज जब फोकल लेंथ इतना बड़ा हो जाता है अराउंड 500-600mm वहाँ पे लेंस कहीं ना कहीं थोड़ा इशू देने लग जाता है। तो ये हुआ फोकसिंग का। उसके बाद जो इसमें OS है इमेज स्टेबलाइजेशन, इसको मैंने ऑफ पे भी यूज़ किया, फर्स्ट मोड पे भी यूज़ किया जब जो मेरा सब्जेक्ट है वो स्टेशनरी होता है एंड सेकेंड मोड पे भी यूज़ किया जहाँ पे अगर आप का सब्जेक्ट जो है वो मूविंग है और आप पैन कर रहे हो कैमरा साथ में। इसके मैं कुछ सैम्पल्स भी आपको दिखा दूंगा सो दैट आपको आइडिया लग जाए। सो फॉर फोकसिंग आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस लेंस एज ऑफ नाउ। अब हम और कुछ शूट करेंगे एंड वी विल सी कि इसके जो बाकी शार्पनेस हैं, कॉन्ट्रास्ट है, कलर्स हैं वो कैसे आते हैं।
तो अगर मैं बात करूँ शार्पनेस की, जैसे कि आपने पहले भी कुछ सैंपल्स देखे हैं एंड आगे भी आप देखेंगे, मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा शार्पनेस, चाहे वो 500 mm तक हो या इवन 600 mm पे भी, शार्पनेस इस लेंस से काफ़ी अच्छी है। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड बाई इट्स परफॉर्मेंस एंड ट्रस्ट मी, इस रेंज में जो आपको ये लेंस मिल रहा है, द एबिलिटी टू गो टिल 600 mm एंड स्टिल गेट दैट शार्पनेस इज जस्ट लाइक अ परफेक्ट लेंस दैट यू कैन हैव फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। सबसे पहली चीज़ जो आप इस लेंस को नोटिस करेंगे जैसे आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, वो है इसका 2-inch वाइड रबर ग्रिप जो आपकी फोकल लेंथ चेंज करने के लिए यूज़ होता है। अब जो ये ग्रिप है ये काफ़ी वाइड है और काफ़ी इजीली रहता है, स्पेशली जब आप फोकल लेंथ चेंज कर रहे होते हैं एंड क्विकली आपको फोकल लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज करनी होती है। जो फोकसिंग रिंग है उसका जो पोजिशन है वो भी काफ़ी आइडियल है, बट आई थिंक अगर ये ग्रिप थोड़ा सा और वाइड होता तो ये लेंस एकदम परफेक्ट रहता। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें क्रोमैटिक एब्रेशन परफॉर्मेंस कैसा है, काफ़ी कंट्रोल्ड है ट्रस्ट मी। आप सैम्पल इमेजेस भी देख रहे हैं, आपको आई डोंट थिंक कहीं क्रोमैटिक एब्रेशन दिख रहा होगा। इवन इफ आई जूम इन टू सम इमेजेस, क्रोमैटिक एब्रेशन बहुत थोड़ा विजिबल होगा। करंटली दिस लेंस इज सेलिंग एट अराउंड 60,000 ऑनलाइन, आई गेस ऑफलाइन आपको और काफ़ी चीपर प्राइस मिल जाएगा। एट दिस प्राइस इट्स लाइक द बेस्ट लेंस आप जो यूज़ कर सकते हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ के लिए हो, चाहे अगर आप मून फोटोग्राफी करते हो या कोई भी आप फोटोग्राफी करते हो जो आपको फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए, आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेंसेज दैट यू कैन हैव इन द मार्केट एज ऑफ नाउ एंड आई एम रियली हैप्पी विद दिस लेंस। दो इट वुड बी गोइंग बैक इन आई थिंक 3-4 दिन में वापस चले जाएगा, बट टिल द टाइम दैट आई हैव दिस लेंस मैं बाहर शूट करूंगा एंड एक दो और वीडियो इससे रिलेटेड बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल फॉर मोर अमेजिंग वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैवेंट। हम इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको हैंडल नीचे मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो एंड वंस अगेन थैंक्स टू आशीष who helped me in the video. So आपने जो भी behind the scenes या जो भी videos देखे हैं it's all made by Ashish. So you can follow him on Instagram. आपको यहाँ पर Instagram handle दिख जाएगा. So let's meet in the next video. तब तक take care and keep clicking.